नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लातेहार जिला के बालूमाथ लोकसभा चुनाव को लेकर बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय में बनाए गए मतदाता सुविधा केंद्र में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पोस्टल बैलेट मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके तहत आज 18 मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया। इसकी जानकारी देते हुए बालूमाथ अंचलाधिकारी सह प्रभारी तृप्ति विजय कुजूर ने बताया कि प्रथम दिन चतरा लोकसभा क्षेत्र के 7 मतदाता एवं अन्य लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदाताओं ने भाग लिया। एकीकृत बालूमाथ थाना क्षेत्र के विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी कमी के साथ साथ अन्य पदों पर पदस्थापित हैं। वैसे मतदाता इस पोस्टल बैलेट मतदान में भाग ले रहे हैं। पोस्टल बैलेट मतदान को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जहां पर काफी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी तैनात किए गए। पहले दिन एकीकृत बालूमाथ थाना क्षेत्र के जो पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ अन्य कर्मी आज मतदान में भाग ले सके, वो दूसरे दिन इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस पोस्टल बैलेट मतदान प्रक्रिया के बनाए गए मतदाता सुविधा केंद्र में झारखंड के खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा एवं पलामू लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ चतरा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाग ले रहे हैं। वहीं बालूमाथ राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय में बनाए गए मतदाता सुविधा केंद्र को लेकर बालूमाथ थाना के पुलिस इंस्पेक्टर परमानंद बीरुआ, बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय, बरियातू थाना प्रभारी राजा दिलावर के साथ साथ कई पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी सक्रिय रहे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।